यो गाइस, वेलकम टू आवर ऑन चैनल ब्रोकन डेथ गेमर। आज होने वाला है महामुकाबला। दोनों तरफ एक ही गिल्ड नहीं है, एक तरफ है गिल्ड और एक तरफ है स्क्वाड। बात करें गिल्ड की तो एक तरफ है ब्लैक ड्रैगन और दूसरी तरफ है जीनियस, आई एम जीनियस गेमिंग विद जीनियस का स्क्वाड। परमानेंटली स्क्वाड नहीं बोल सकते, लेकिन उनका स्क्वाड कस्टम स्क्वाड। महामुकाबला शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले वाले टीम पे ब्लैक टोटो और येलो एफ एफ, कबीब ईगल और ब्लैक खसू ना क्या नाम है, और जॉन सिन्हा है। और आई एम जीनियस के तरफ से जॉन सिन्हा एंड आई एम जीनियस जो है लीडर ऑन अनस्टॉप। और बात करें तो रणबीर पड्डी, तो भैया क्या बात है। इधर देखते हैं क्या होता है। इधर जॉन सिन्हा बहुत ही खतरनाक, अपना अपना अनस्टॉप, सब कोई अपना पोजीशन लेकर बैठे हैं कि भैया आप आइए, हम आपको देख लेंगे। आई एम जीनियस जो कि कैप्टन है, वो भी अपना पूरी तरह से कोशिश कर चुका है वेक्टर के साथ। जीनियस भाई का चैनल आप जरूर जाके देखिए, बहुत ही खतरनाक बंदे हैं भैया, बहुत ही खतरनाक बंदे हैं। इनके तरफ से एक दो बंदे को नॉक ले लिया गया है भैया, और आगे की तरफ जो टीम है उनके तरफ से एक नॉक है, इनका एक ख़त्म और एक को रिवाइव। अपोनेंट वालों का दो बंदे को नॉक किया गया है, और सामने वाले के एक बंदे नॉक हैं और एक ख़त्म किया गया है। देखते हैं पहला राउंड कौन निकलता है, एक गिल्ड की कोऑर्डिनेशन या फिर एक स्क्वाड की कोऑर्डिनेशन, देखते हैं क्या होता है। जी येलो एफएफ के हाथ पे मैच, देखते हैं क्या वो दोनों को ख़त्म कर पाते हैं। जीनियस भाई को नॉक लेके उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है, लेकिन नहीं भैया, अनस्टॉप आके पीछे से मारे, सामने से दाएं बाएं से आकर मारते हैं भैया, बहुत ख़तरनाक बंदे हैं। वेक्टर पकड़े थे और भैया पेल दिए बंदों को। चलिए आगे, जॉन सिन्हा बहुत ही फॉर्म पे नज़र आ रहे हैं आज हमें, लेकिन जो हमारे ऑपोनेंट वाले हैं, बात करें तो ब्लैक ड्रैगन की टीम, वो भी बहुत ही ख़तरनाक टीम मानी जाती है। और इधर बात करें तो आई एम जीनियस की स्क्वाड भी बहुत ही ख़तरनाक स्क्वाड है। दोनों तरफ को बंदों को पता है कि कौन किसके साथ कैसे भिड़ने वाला है, और दोनों को पता है कि हमारे आमने सामने की टीम किस तरह की टीम है, या फिर हमारे आमने सामने की टीम किस तरह से हम पर उससे भारी पड़ सकते हैं, या फिर वो हम पर बरसा कर सकते हैं गोलियों की। मिल रहे हैं दोनों टीम आमने सामने। चलिए अनस्टॉप साइड से जा रहे हैं, लेकिन उन लोग का फायर शुरू हो चुका है, फाइट शुरू हो चुकी है। चलिए देखते हैं, ब्लैक खाउस ना क्या नाम है गाइस, खौसी, वो ऊपर से खसू ना क्या गाइस, बहुत अजीब नाम है। ये लोग ऊपर से कवर फायर दे रहे हैं, लेकिन उनको नीचे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी टीम है, बात करें तो ये स्क्वाड है आई एम जीनियस का, बहुत ही ख़तरनाक स्क्वाड है। और इधर जीनियस भी अपने आप को पूरी तरह से रोक के रखे हैं कि भैया आप लोग आइए दावत खाने के लिए, हम लोग दावत देने के लिए तैयार हैं। जॉन सिन्हा पीछे से जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आई एम जीनियस इधर खड़े हैं शॉटगन लेकर, एक बंदा इनके सामने आ रहा है, मुंह पे आ रहा है बंदा, देखते हैं दावत दे पाते हैं कि नहीं। और इधर बात करें तो अनस्टॉप भी बहुत ही ख़तरनाक जा रहे हैं आगे की तरफ रश करने के लिए, धीरे धीरे रश कर रहे हैं कि भैया रिक्स हो सकती है, अगर अचानक से बिना कोऑर्डिनेशन किए अगर चले जाएँ तो भैया मुश्किल पर पड़ सकते हैं। एक पीछे चाहिए, एक तो ब्लैक ड्रैगन की तरफ से फर्स्ट ब्लैक टोटो का फर्स्ट ब्लड आ चुका है। इधर से अपोनेंट वालों का एक बंदे को ले लिया गया है, आई एम जीनियस जो कि कैप्टन है उनको ले लिया गया है ब्लैक टोटो की तरफ से। और इधर जॉन सिन्हा जो है ऊपर पे उठ चुके हैं, लेकिन नहीं, उनको ब्लैक हॉइस जो है पूरा KASHU खासू, जी हाँ गाइस खासू, वो नीचे से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और इधर अनस्टॉप जो हैं वो भी इधर पूरी तरह से रश कर रहे हैं। उनके सामने है ये ब्लैक ड्रैगन का टीम जो कि बहुत ही ख़तरनाक टीम है जी, क्या ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन नहीं, नॉक, उनको भी नॉक ले लिया गया इधर जॉन सिन्हा की तरफ से ऊपर से, लेकिन जॉन सिन्हा इधर बहुत ही ख़तरनाक फंसने वाले हैं जी भैया, जॉन सिन्हा फंसने वाले हैं, नहीं फंस गए। और इधर जो है हमारे रणबीर पड्डी, वो बहुत ही ख़तरनाक इधर, लेकिन नहीं, ख़त्म। एक राउंड उनका और एक राउंड इनका, दोनों का बराबरी मैच चल रहा है भैया, टक्कर की मैच, कांटे की मैच, मतलब एक नीचे नहीं और एक ऊपर नहीं, दोनों बराबरी का मैच इधर खेलने वाले हैं। क्या लगता है आपको, कौन जीत सकता है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल ब्रोकन डेथ गेमर्स पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड पे दिए गए बेल बटन को ऑन कीजिए, ताकि हमारा छोड़े गए हर एक नोटिफिकेशन और अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका फ़ायदा उठा पाए। अगर आपको भी इसी तरह का कस्टम खेलना है, या फिर गिल्ड वॉर टूर्नामेंट्स पे अगर आपको हिस्सेदारी करना है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पर हमें फॉलो करके हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारा बहुत ही ख़तरनाक एक कस्टम होने वाला है, जो कि आप लोग इंतज़ार पे रहिए, क्योंकि सबर का फल मिठाई होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इधर
आई एम जीनियस को पढ़ रहा है कि इनके सामने बंदा है ग्लोबल पे फंसाने की हर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। इधर बात करें तो जीनियस बहुत ही दिमाग के साथ खेल रहे हैं भैया, डबल वेक्टर अलाउ नहीं है लेकिन फिर भी सिंगल वेक्टर से चलना पड़ता है, काम तो चलाना ही पड़ता है। लेकिन नहीं, डाउन कर दिया है आई एम जीनियस ने, डाउन कर दिया है इधर। लेकिन नहीं, जीनियस को साइड से पड़ रही थी, बहुत ही खतरनाक कवर और आगे बढ़ते हुए बहुत ही खतरनाक मूवमेंट स्पीड। लेकिन नहीं, नॉक ले लिया गया है थम्सन से नॉक ले लिया गया है, शायद जीनियस को ख़त्म कर दिए। जी हाँ, जीनियस को ख़त्म कर लिया गया है। और इधर रणबीर पड्डी की तरफ से इधर मैच बहुत ही खतरनाक, लेकिन ये नीचे फंस चुके हैं, इनको ऊपर जाने में थोड़ी सी रिक्स उठानी ही पड़ेगी और जॉन सेना इनके साथ पे, चलिए देखते हैं। लेकिन जॉन सेना एक बंदे को ले चुके हैं भैया, आत्मा को शांति दे दिए जॉन सेना अपने एके से। चलिए इधर बात करें तो सपोर्ट ओपोनेंट वाली टीम भी अपनी पूरी पोजीशन पर है कि भैया आप निकलो, हम आपको देने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। गर्दन को पूरी टेढ़े करके खड़े हैं, भैया आइए हम स्वागत करेंगे आपका। 2 vs 2 सिचुएशन, देखते हैं कौन निकाल पाता है मैच, क्या ब्लैक ड्रैगन की एक गिल्ड कोऑर्डिनेशन या फिर एक स्क्वाड कोऑर्डिनेशन आई एम जीनियस का। भैया जॉन सेना की बात करें तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं, टूर्नामेंट बहुत खतरनाक खेलते हैं भैया, बंदे बहुत ही खतरनाक हैं। अगर आपको इनके साथ खेलना है तो हमें बेझिझक इंस्टाग्राम पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कीजिए और हमसे कमेंट कीजिए, पर्सनली बातचीत कीजिए। और आप लोग जितना भैया आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, वो जो लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करो, जल्दी से क्लिक करो उसको, ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप जिससे सब्सक्राइब करेंगे हम उसी तरह से अच्छे अच्छे गेम लाएंगे। इधर बात करें तो एक रणबीर पड्डी को लॉक ले लिया गया है, लेकिन नहीं, मुंह पे मैंने पहले ही बोला था कि इन लोग नीचे एक पोजीशन पे फंस चुके हैं, ऊपर उन लोग अपनी कोऑर्डिनेशन और पोजीशन के साथ रेडी हैं कि भैया आप लोग आइए हम लोग रेडी हैं। और इनको रेडी होना भी चाहिए था क्योंकि जो इन लोग नीचे फंस चुके थे, लेकिन नहीं, चौथा राउंड स्टार्ट हो चुका है, इधर देखते हैं क्या होता है। आई एम जीनियस पूरी फॉर्म पे कि भैया उस बार मैच हाथ से फिसल गया था एक राउंड, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी, लेकिन नहीं, अब जो है पूरा स्क्रीन टेढ़ी मेढ़ी करके आ रहे हैं भैया, टेढ़े मेढ़े खा के आ रहे हैं अब। चलिए देखते हैं क्या होता है, सामने ओपोनेंट के टीम वाले भी बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे हो रहे होंगे। लेकिन बात करें तो दोनों के टीम ब्लैक टोटो साइड से जाते हुए और जो है कवर फायर के देने के लिए भी उनका टीम रेडी है। और इधर जॉन सेना की बात करें तो जॉन सेना आई एम जीनियस सबको इरास के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, पोजीशन इन लोग अब पोजीशन दे रहे हैं कि भैया अब आप लोग आइए, हम आप लोगों को दावत देने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कौन सा टीम किसको पहले ले सकता है या कौन किसका फर्स्ट ब्लड पहले आता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। और इधर बात करें तो जीनियस के टीम स्क्वाड के तरफ से अनस्टॉप का 3 kills, आई एम जीनियस का 1 kill और जॉन सेना का 2 kills और रणबीर पड्डी का 1 kill। जी हाँ, इनको पड़ रहा है अनस्टॉप को पूरी तरह से पड़ रहा है। जी मैच बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पर आ चुका है, जॉन सेना नॉक ले लिया गया है, अनस्टॉप का बहुत ही डैमेज पे है अनस्टॉप, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पे। इधर कवर फायर दे रहे हैं इधर, और बात करें तो उनकी पूरी टीम अलाइव है, एक बंदा बस इन लोग का, लेकिन नहीं, एक बंदा नॉक है, उनको शायद रिवाइव ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको ख़त्म कर दिया गया है। और जीनियस के स्क्वाड से बात करें तो दोनों बंदे को ख़त्म कर दिया गया है। अब 2 अलाइव हैं, एक रबीन भैया और एक जीनियस भाई, देखते हैं क्या होता है जीनियस भाई। लेकिन नहीं, हमसे जीनियस भाई से बकचोदी नहीं, बहुत ही खतरनाक बंदे माने जाते हैं जीनियस भाई। चलिए एक बिहारी सौंपे भारी, चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन नहीं, बिहारी सिर्फ भारी नहीं, एक बिहारी सौंपे भारी नहीं, 3-1 से आगे है हमारी ब्लैक ड्रैगन की टीम। क्या वापसी कर पाएगी बिहार के कप्तानी करते हुए हमारे जीनियस भाई की स्क्वाड, चलिए देखते हैं। जॉन सेना बहुत ही खतरनाक बंदे माने जाते हैं भैया, हाँ क्या हो रही है, बंदों में क्या कोऑर्डिनेशन हो नहीं हो पा रही है। लेकिन बात करें तो सामने की टीम पूरी उनकी गिल्ड की मेंबर है, और बात करें तो अपोनेंट वालों की टीम भैया वो भी एक स्क्वाड से लेकर आए हैं, देखते हैं इन लोग को अपना गिल्ड का नाम बचाना है और इन लोग को अपना स्क्वाड का नाम बचाना है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बात करें तो सबको कवर फायर देने के लिए रेडी हैं, लेकिन क्या सामने की टीम आमने सामने भिड़ सकती है, सबको डर है कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक तो भैया सीधा हेड लगने वाली है। इधर आपको पहले ही बोला गया है और अभी भी बोला जा रहा है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप बाद में पछताइएगा कि भैया अगर पहले सब्सक्राइब कर लेता तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता और मैं ये वीडियो सबसे पहले देखता।
चलिए शायद आप गिव अवे भी जीत सकते थे। आने वाला टाइम हम लोग का गिव अवे भी आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन इधर अनस्टॉप जो है अनस्टॉप गोली चला रहे हैं भैया, नाम से ही बंदे का काम देखने को मिल रहा है, अनस्टॉप गोली चला रहा है। नॉक ले लिया गया है इधर एक बंदे को, लेकिन एक बंदा उनका नॉक है, एक बंदे को रिवाइव दे देंगे शायद जितना लगता है, लेकिन नहीं रिवाइव नहीं दे पाए। अब जो बिहार के कप्तान की स्क्वाड अब धीरे धीरे वापसी कर रही है, धीरे धीरे वापसी कर रही है, क्योंकि सबर का फल मीठा होता है और इन लोग धीरे धीरे सब कुछ करने में पसंद रखते हैं। तो भैया बात करें तो इधर ऊपर से कवर फायर दे रहे हैं, AWM भी पकड़ चुके हैं, जॉन सेना को पूरी टारगेट पर रखे हैं। चलिए देखते हैं क्या बात है, लेकिन इनके हाथ पे अकेला पे मैच है जो कि है हमारे ब्लैक, लेकिन नहीं ख़त्म। जीनियस भाई मुंह पे चढ़ाए हैं अनस्टॉप के साथ। चलिए देखते हैं, अब राउंड शुरू हो चुकी है, अभी से घमासान मैच शुरू होने वाला है, क्योंकि जिसका पहले साथ मैच उसी का साथ देने वाला है। भैया लूट सबके पास बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन क्या इन लोग 3x3 कर सकते हैं या फिर हमें 4x2 ही देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत ही ख़तरनाक मैच इधर होने वाला है, और बात करें तो बहुत ही ख़तरनाक टीमें भी आमने सामने भिड़ी हुई है, और इसी के साथ दोनों टीम एक साथ जीनियस भाई अब कवर फायर देंगे, क्योंकि इन्हें अब शॉर्ट रेंज जाना नहीं है। लेकिन नहीं इधर पड़ रही है सबको, धीरे धीरे पड़ रही है, लेकिन इधर से स्कोप करने की पूरी कोशिश जीनियस भाई को पूरी टारगेट पे लिए थे जॉन सेना साइड से जाते हुए, जॉन सेना एक एक के साथ। चलिए देखते क्या होता है, जॉन सेना सेवन। क्या आप जॉन सेना के साथ खेलना चाहते हैं तो बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कीजिए, हम पर्सनली आपसे बात करेंगे। इधर बात करें तो बंदे घुस के इधर अनस्टॉप को ले लिया गया है। जी हाँ, अनस्टॉप को इधर आसानी से ले लिया गया है अनस्टॉप को, लेकिन उनको भी ख़त्म कर दिया गया है इधर से। अनस्टॉप को ख़त्म करने के बाद इधर बात करें तो इनको पड़ रही थी भैया साथ की एनर्जी पे, लेकिन नहीं, जॉन सेना मुंह पे घुसाए हैं बंदे के, जॉन सेना मुंह पे घुसाए अब मुँह भरते, लेकिन नहीं उनकी अब 3x3 की वापसी कर चुकी है हमारी जीनियस भाई का स्क्वाड 3x3 के वापसी पर आती हुई। चलिए देखते हैं क्या होता है, बहुत ही ख़तरनाक मैच हो रही है, वापसी करती हुई बहुत ही ख़तरनाक मैच हो रही है। अगर आपको बता दें कि भैया बहुत से कमेंट्स या फिर मैसेज मुझे ऐसा भी देखने को मिला था कि जैसे जो कि हमारा MGD वर्सेस टीम शार्क हुआ था उस पर बोल रहे थे कि भैया और बार सीजन सेकंड मैच पार्ट 2 लाया जाए MGD वर्सेस टीम शार्क ओडिशा वर्सेस बंगाल, लेकिन नहीं उन लोग का भी मैच बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन इधर जो हमारा जीनियस भाई का स्क्वाड है, इन लोग पहले ही इमोट के सहारे बता दिए हैं कि भैया बुया हमारे हाथ है, पहले ही इमोट के सहारे बता चुके हैं कि भैया बुया हमारे हाथ है। क्या देखेंगे कि इनका इमोट के साथ इन लोग अपना काम भी कर पाते हैं कि नहीं। 3x3 की सिचुएशन मैच बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि दोनों बंदे आपस को एक दूसरे से जानते हैं, एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सामने कैसे बंदे हैं। बात करें तो इधर सबको अपनी अपनी पोजीशन पर लटके हुए हैं कि भैया आप थोड़ा सा निकलोगे तो हम तुम्हें स्वर्ग का आनंद कराने वाले हैं, थोड़ा सा निकलो हम तुम्हें स्वर्ग का आनंद देने वाले हैं। चलिए देखते हैं, जॉन सेना अनलिमिटेड फायर दे रहे हैं, लेकिन इधर हमारे कप्तान साहब जा चुके हैं। जी अफसोस की बात, कप्तान को ले लिया गया है इधर, और जो कि हमारे जीनियस भाई। और इधर बात करें तो बहुत ही ख़तरनाक मैच हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा डैमेज मिल चुका है, हमारे कप्तान के कप्तानी के साथ सबको थोड़ा थोड़ा डैमेज देखने को मिल रहा है। लेकिन इधर जो टीम है येलो FF अनस्टॉप इनको पड़ रही है, लेकिन इन लोग भी अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ अभी भी मैच को बहुत ही ख़तरनाक तरीके से प्रदर्शन करते हुए हमें नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन भैया बहुत ही ख़तरनाक पड़ी थी ऊपर से इनको, इनकी हेलमेट पूरी उड़ा दी गई है। बात देखें तो आपको 1% इसकी हेलमेट दिखने को मिल सकती है, लेकिन नहीं है फिर भी बंदे को माली भैया मानेंगे नहीं, शुरू किए हैं मतलब ख़त्म भी करके जाएंगे इन लोग। 2x3 सिचुएशन देखते हैं क्या होता है, 2x3 सिचुएशन जो कि, लेकिन नहीं 1x3 सिचुएशन इधर है हाथ, अगर येलो FF को कुछ करना पड़ेगा, येलो FF नहीं ब्लैक टोटो को कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, ब्लैक टोटो के हाथ पर मैच है, लेक जॉन सेना को डाउन ले लिया गया है। इधर बात करें तो ब्लैक टोटो बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं इधर, 1v2 सिचुएशन इधर बात करें तो सामने बता चुका है, लेकिन नहीं 1v1 सिचुएशन देखते हैं क्या करता है, क्या 4v3 या फिर नहीं अनस्टॉप पूरी तरह से जा रहे हैं, 1v1 सिचुएशन है। इनको पता है कि भैया मैच को किसी भी हालत पे स्क्वाड को हमारा जीतना ही होगा किसी भी हालत पे। ब्लैक टोटो नीचे आ चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो अभी भी ऊपर में है क्या। चलिए देखते हैं क्या होता है,
लेकिन नहीं, मुझे पता था बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी गलती कर चुके हैं। इधर 4-3 से बिछड़ती जा रही है हमारी जो टीम है, और इधर बात करें तो 4-3 से पीछे है हमारी जीनियस जो कि है जीनियस की टीम स्क्वाड, और बात करें तो 4-3 से आगे है हमारी ब्लैक ड्रैगन की टीम। चलिए देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे पूरी तरह से इन लोग अपनी स्टेमिना को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं, क्या बात है। सबको अपना अपना पोजीशन पता है, सबको अपना अपना पोजीशन पता है कि भैया हम और ब्लैक ड्रैगन के टीम से इसको गिल्ड से बात करें तो ब्लैक टोटो 7 किल सबसे टॉप रैंकिंग पर हैं, और इधर बात करें स्क्वाड की जो कि जीनियस की स्क्वाड उसकी बात करें तो जॉन सेना सबसे किल 7 किल दोनों की साथ साथ रैंकिंग, लेकिन नहीं अब शायद 8 होने वाली है जॉन सेना की जैसे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इन लोग फिर से एक बड़ी गलती कर रहे हैं नीचे रहकर, अगर जॉन धोखा दे दिया तो भैया बहुत ही बेझिझक फंसने वाले हैं इन लोग, अगर थोड़ी सी गलती तो भैया संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, ऊपर जाने में बहुत रिस्क हो सकती है। इसीलिए बात करें तो धीरे धीरे दोनों टीम बढ़ रही है, देखते हैं कि कौन टीम का पहला बंदा नॉक होता है या फिर कौन टीम पहले एलिमिनेटेड होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। इधर बात करें तो दोनों टीम आमने सामने भिड़ने जा रही है, अब ऊपर की तरफ जॉन सेना को पता चल गया कि भैया जॉन अब धीरे धीरे आ रही है, होले होले जॉन भी आ रही है। इधर बात करें ब्लैक टोटो बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे हैं, जीनियस ऊपर आ चुके हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। जीनियस के पीछे बंदे थम्पसन, लेकिन नहीं दे दिया गया है शॉटगन से, जीनियस को ख़त्म कर दिएंगे अभी पूरी तरह से, ग्लोबल से राउंड करके जीनियस को ख़त्म कर दिया गया है। और इधर इनका भी एक बंदा को ले लिया गया है, 3v3 सिचुएशन, लेकिन येलो एफएफ को भी इधर नॉक ले लिया गया है। जॉन सेना का किल आ चुका है इधर, और जॉन सेना का 9th किल, और इधर बात करें तो अनस्टॉप को नॉक ले लिया गया है। अनस्टॉप को भी ख़त्म करने के बाद 2v1 सिचुएशन जॉन सेना के हाथ पर है मैच, चलिए देखते हैं जॉन सेना क्या करते हैं। भैया जॉन सेना बहुत ही खतरनाक एक नामी प्लेयर में गिनती होती है इनकी, इनका नाम बहुत ही बड़ा है भैया जॉन सेना, देखते हैं क्या करते हैं, क्या मैच निकाल पाएंगे। लेकिन भैया बात करें तो ये फंस चुके हैं ऊपर पे, नीचे पे फंस चुके हैं, इनको पड़ी भैया मुंह से शब्द निकलने से पहले पड़ी, मेरा मतलब मुँह ही ख़राब है भैया, मैं जिसको ही देखता हूँ वही जाता है पहले, मतलब मेरे आँखें ख़राब है, मैं जिसको देखता हूँ वही भैया एलिमिनेट हो जाता है, क्या बात है। आज से एक बात बता दें कि अगर आप लोग कस्टम खेल रहे हो मुझे बुलाओ यार, हम देखेंगे उन लोग मरेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर से जो है 5-3 से धीरे धीरे वापसी कर रही है, 3 राउंड तक वापसी करी है, लेकिन इधर जो हमें थोड़ी बहुत दिखती मैच जीतती हुई देखने को मिल रही है जो कि हमारी ब्लैक ड्रैगन की टीम है, थोड़ी बहुत हमें पता चल रहा है कि भैया मैच शायद इन लोग ले सकते हैं, जिस तरह से 5-3 से आगे हैं तो भैया पूरा हमें तो लगता ही है कि इन लोग मैच ले ही सकते हैं। और इधर बात करें तो धीरे धीरे इन लोग फिर भी इन लोग को खौफ है कि भैया अगर थोड़ी सी मिस्टेक की तो आई एम जीनियस, जीनियस ही जीनियस है भाई, जीनियस भी कम नहीं है। जॉन सेना के हाथ पे AWM, चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या जॉन सेना के हाथ पे, अरे भैया एक हेडशॉट, 665 का हेडशॉट, क्या बात है। जॉन सेना बहुत ही खतरनाक बंदे हैं भैया AWM पे हेड स्कोप के साथ, क्या बात है, बहुत ही खतरनाक निशाना साधे भैया। लेकिन नहीं, इनको रिवाइव ले लिया गया है उनका बेकार को, लेकिन इधर अनस्टॉप मानने वाले नहीं है, वेक्टर के साथ घुस चुके हैं, और इधर शॉटगन के साथ इनको भी फिनिश कर देंगे आप, जी हाँ अब डायरेक्टली फिनिश कर रहे हैं बंदों को, आप देख सकते हो छोड़ने की बात नहीं है। जॉन सेना यहीं से निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं, लेकिन पीछे से जाने से इनको थोड़ी सी मुसीबत उठाना ही पड़ेगा। बात करें तो इधर ओपोनेंट के चारों बंदे अलाइव हैं, और इधर 3 बंदे देख क्या जॉन सेना कुछ कमाल कर पाएंगे या फिर नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है। येलो एफएफ बहुत ही ख़तरनाक मूवमेंट के साथ अपनी गेम प्ले दिखाते हुए, चलिए देखते हैं क्या होता है। और आगे की बात करें तो जॉन सेना अपनी AWM के साथ बहुत ही ख़तरनाक गेम प्ले देखने को हमें मिल सकता है, जो कि हमारे IM जीनियस हैं वो भी बहुत ही ख़तरनाक खेल रहे हैं भैया, बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं। IM जीनियस की टीम बहुत ही खतरनाक डैमेज दे रही है, इधर जो हमारे ईगल भाई हैं उनको डैमेज दिया है जॉन सेना, मतलब भैया कैमरा ऑन करके बैठे हैं, निकलो हम फोटो शूट करने के लिए रेडी हैं, चलिए देखते हैं। इधर IM जीनियस को ले लिया गया है 2v4 सिचुएशन, क्या जीनियस की स्क्वाड वापसी करा पाएगी या फिर 6-3 हो जाएगा इन लोग का, चलिए देखते हैं। नहीं भैया 1500 का हेड 1v2 सिचुएशन, लेकिन नहीं जॉन सेना फिर भी हार मानने को राजी नहीं है भैया, हमारा नाम हम डिक्शनरी में ऐसे ही नहीं लिखवाए हैं, पूरा एक ही मतलब डबल किल कर चुका है जॉन सेना, शायद
स्क्वाड को ही पूरा एलिमिनेटेड कर दे गिल्ड की पूरी, मुझे जितना लग रहा है। लेकिन 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 हाँ जी हाँ, लेकिन नहीं, घुस गए बंदे, बंदे मुंह पे घुस गए, जो कि हमारे ब्लैक टोटो हैं, मुंह पे घुस के मारे कि भैया हमारे घर पे आके हम कोई मारोगे तुम लोग 6-3 के साथ। मैच बहुत ही खतरनाक मैच पॉइंट है भैया, ब्लैक टोटो अगर थोड़ी सी मतलब कोऑर्डिनेशन ठीक कर ली तो उनके हाथ पे 7-3 से उन लोग जीत जाएंगे। लेकिन अगर जीनियस की स्क्वाड अगर अच्छी तरह से खेली तो अगर बहुत ही खतरनाक मैच हमें देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे वापसी करेंगे लोग, चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत ही रिक्स आ चुका है जीनियस के टीम के तो स्क्वाड के ऊपर, बहुत ही ज़ोरदार से रिक्स आ चुका है जीनियस के ऊपर। क्या जीनियस इधर मैच वापसी करवा पाएंगे या फिर इसी तरह से हारते रहेंगे, चलिए देखते हैं क्या होता है। इधर बात करें तो दोनों की टीम, जीनियस की जो धड़कने हैं बहुत तेज़ हो जाएंगी। अभी इन लोग को बहुत ही खतरनाक दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ही चालाकी के साथ इधर गेम प्ले दिखाना पड़ेगा। थोड़ी सी गड़बड़ मतलब भैया पूरा मैच हाथ से जाने वाला है इन लोग का। जॉन सेना एक बंदे को ले चुके हैं, फर्स्ट ब्लड आ चुका है जॉन सेना का, फिर से AWM का जलवा दिखाते हुए इधर ब्लैक टोटो को ले लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। और इधर फाइट स्टार्ट हो चुकी है। इधर बात करें तो ब्लैक टोटो का 11 किल आ चुका था लेकिन उसको ले लिया गया है। और बात करें जॉन सिन्हा, भैया जॉन सिन्हा का भी 12 किल, द टॉप किल इन दिस कस्टम, भैया सबसे ज़्यादा किल जॉन सिन्हा ही किए हैं। इधर बात करें तो इधर थम्सन से नॉक ले लिया गया है। इन भैया धीरे धीरे वापसी कर रही है, 4-6 से पीछे थी लेकिन अब 3-6 से पीछे थी लेकिन अब 4 कर लिया। चलिए देखते हैं, अब जीनियस की स्क्वाड को पता चल गया है कि किस तरह से हमें मारना है ब्लैक ड्रैगन की टीम को। जी हाँ, ब्लैक ड्रैगन की टीम को इन लोगों को किस तरह से मारना है उनको पता चल चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह से हमारा मैच होने वाला है, चलिए देखते हैं क्या होता है। इधर 6-4 से पीछे है, 6-4 से पीछे है अभी भी जीनियस के स्क्वाड को, बहुत ही खतरनाक तरह से मैच इधर हमारे हमें करना पड़ेगा। बात करें तो बहुत ही खतरनाक फीलिंग आ रही है भैया अंदर से, क्या आपको फीलिंग आ रही है तो जल्दी से कमेंट कीजिए यार। वो जो कमेंट वाला लिस्ट है ना उसको भर के रखिए हमेशा, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। चलिए देखते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इधर बहुत ही खतरनाक इधर मैच दे हमें देखने को मिल सकता है, अनस्टॉप को डैमेज लग चुकी है। चलिए देखते हैं क्या होता है, आगे आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या होता है देखते हैं। 6-4 से दोनों का बंदे को एक एक नॉक है, दोनों की टीम की तरफ से दोनों बंदे नॉक हैं। और इधर बात करें तो दोनों टीम को नॉक तो ले लिया गया है, पर धीरे धीरे जो है इनको एक एक स्क्वाड को ख़त्म कर धीरे धीरे किया जा रहा है। उन हमारी जो जीनियस की टीम है उनको रिवाइव ले लिया गया है, इनकी भी टीम रिवाइव हो चुकी है। 6-4 एक गलती करेगी तो जीतने वाला मैच इनको हारना पड़ेगा ब्लैक ड्रैगन को, और अगर इनकी टीम अगर एक गलती करेगी तो हारने वाला मैच तो हारना ही पड़ेगा इनको। चलिए देखते हैं अगर फिर भी इनके पास मौका है, लेकिन नहीं, लेकिन हाँ भैया नहीं, लेकिन हाँ जॉन सेना के आंखों पे आए, मतलब आप धोखा तो आपको मिलेगा ही। जॉन सेना के आंखों पे आए हो लेकिन इधर जो है बहुत ही कोशिश कर रहे हैं अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए, 2-2 सिचुएशन। देखते हैं जॉन सेना क्या कर पाते हैं, जॉन सेना क्या अपनी स्क्वाड को अब जीता सकते हैं या फिर जीनियस अपनी कप्तानी के साथ स्क्वाड को आगे ले सकते हैं। लेकिन नहीं, दो बंदे घुसकर एक बंदे को मार रहे हैं, शायद हमें देखने को मिल सकता है ए राउंड भी 5-6 की वापसी कर सकती है हमारी जो जीनियस की स्क्वाड है। ले हाँ जी हाँ, ज़रूर कर सकती है जीनियस की स्क्वाड, सीधा ड्रैग और भैया मैच ख़त्म। 6-5 देखने को मिल रहा है हमें, इधर देखते हैं क्या होता है, या 6-6 होगा या फिर 7-5 पे ही मैच ख़त्म होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन और मोड के अंदर हम पहुंच चुके हैं। और इधर बात करें तो एक के साथ आगे जाने वाले हैं, आप कवर फायर देने वाले हैं हमारे भैया। चलिए देखते हैं क्या बात है, इधर येलो FF लूट कर रहे हैं। इधर बात करें तो ब्लैक ड्रैगन की टीम थोड़ी हैरस हो रही है कि भैया उन लोग धीरे धीरे भिड़ रहे हैं तो मुश्किलें बढ़ रही है इनके लिए। इनको शायद लग रहा है कि हमारे हाथ से शायद जीतने वाला मैच हम लोग हार सकते हैं। लेकिन ब्लैक ड्रैगन की बात करें तो भैया बहुत ही खतरनाक गिल्ड है, जानी मानी गिल्ड है इन लोग का। इन लोग की मन करे तो इन लोग भैया कस्टम ही हिला के रख देंगे। और बात करें ओपोनेंट वालों की, IM जीनियस की स्क्वाड की, तो इन लोग का मन करे तो कस्टम हिलाएंगे क्या भैया, सब घर तोड़ के रख देंगे इन लोग। अगर बात करें तो इधर कवर फायर दे रहे हैं जॉन सेना, AWM ही नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है अगर मैच है तो AWM है तो मैच है। जी हाँ, इधर से शायद अनस्टॉप का फर्स्ट ब्लड आ चुका है। चलिए देखते हैं, एक बंदे को ले लिया गया है अनस्टॉप की तरफ से। और इधर जूम कर रहे हैं हमारे जो जॉन सेना है, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं मैच पर। 6-6 से शायद वापसी करना ही है इनको, चलिए देखते हैं मैच क्या हमें कैसे देखने को मिलता है।
और इधर बात करें तो खुले में घूम रहा है अनस्टॉप इनके सामने से, लेकिन नहीं मार पाए। अनस्टॉप तुरंत ही घुस गए, ले अनस्टॉप को डैमेज पड़ चुकी है, साथ की डैमेज और अनस्टॉप ने इनको भैया खा गए, अनस्टॉप खा गए, थम्सन से खा गए इनको। जोन सेना भी आ चुके हैं, एक बंदा है उनका ब्लैक टोटो। चलिए देखते हैं क्या एक बंदा भाई हम जीनी, लेकिन नहीं भैया मुंह से आवाज़ ही निकलता नहीं है। मैंने बोला ना, मैं जिसे देखता हूँ उसको नज़र लग जाती है, मैं जिसे देखता हूँ उसे ही नज़र क्यों लग जाती है भैया। बात करें तो इधर मैच पॉइंट स्टार्ट हो चुकी है, 6-6 दोनों टीमों की धड़कनें तेज़ हो चुकी है, हमारे ऑडियंस की भी धड़कनें तेज़ हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या होता है, ओपोनेंट वालों में बहुत ही खतरनाक इधर मैच देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अब दोनों को टीम को बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी के साथ गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा। अगर इन लोग थोड़ी सी गलती किए तो भैया इनके हाथ से मैच जाने को है। और बात करें तो इन लोग बहुत ही खतरनाक इन लोग मैच धीरे धीरे करेंगे। और इधर जीनियस भाई की बात करें तो टाइगर जिंदा है का गन ले चुके हैं। जी हाँ गाइस, मैं इसे टाइगर जिंदा है का नाम देता हूँ कि भैया जब सलमान भाई हमारे ये बंदूक लेके निकलते हैं तो जैसी फीलिंग आती है, आप कैरेक्टर को इस बंदूक को रनिंग करते हुए देखोगे तो बिल्कुल उसी तरह का फीलिंग आएगी आपको। और इधर बात करें तो दोनों टीम अपनी पोजीशन ले चुकी है, चलिए देखते हैं कौन टीम अपने हाथ पर मैच ले सकती है। और ब्लैक टोटो ब्लैक ड्रैगन की टीम की धड़कनें बहुत ही गिल्ड की धड़कनें तेज़ हो चुकी है कि भैया इन लोग इतनी आसानी से वापसी कर चुके हैं। जॉन सिन्हा AWM से मतलब तबाही मचा रहे हैं इधर, बहुत ही खतरनाक खेलता है भैया बंदा। अगर ये बंदे के हाथ AWM लगी तो भैया बंदा मचा ही देगा कुछ। बात करें तो ओपोनेंट वालों की टीम के हाथ भी बहुत ही खतरनाक गन हैं, और इधर ओपोनेंट वालों के टीम से आलो FF को बहुत ही इजी तरीके से ले लिया गया है। और उन लोग का 4-3 सिचुएशन क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है, तुरंत पॉज कीजिए वीडियो को और जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा टीम जीतने वाला है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, इधर ब्लैक टोटो को ले लिया गया है, शायद इनको रिवाइव मिल सकती है। जी हाँ, इनको रिवाइव मिल सकती है, इनको रिवाइव ले लिया गया है। अब जीनियस की टीम पूरी तरह से उच्च मतलब जोश पे आ चुकी है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ है कि हमें मैच लेना है। अनस्टॉप रश करने के लिए रेडी हो चुके हैं, थोड़ी गलती मतलब भैया मैच हाथ से फिसलने वाली है, थोड़ी गलती इन मैच हाथ से फिसलने वाली है। मुझे लग रहा है अनस्टॉप गलती कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अनस्टॉप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से आ रहे हैं इनको जॉन भी धोखा दे सकता है और ऊपर से इनको फाइट भी पड़ सकती है, जीनियस भाई को शायद पड़ सकती है। यहाँ जी नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत ही खतरनाक इधर मैच इधर हो देखने को मिल सकता है। 1v3 सिचुएशन ब्लैक टोटो को जल्दी से रिवाइव लेना पड़ेगा। इनको 2v4 सिचुएशन, जी हाँ उनका भी एक बंदा रिवाइव हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या इन लोग ऊपर से तबाही मचा पाएंगे अनस्टॉप को डैमेज देते हुए। अनस्टॉप भी ऊपर, जी बहुत ही खतरनाक मैच इधर हो चुका है। इधर देखते हैं कि भैया ब्लैक ड्रैगन अपनी कोऑर्डिनेशन और अपनी गिल्ड का नाम बचा सकती है कि नहीं, लेकिन इधर जितना मुझे लगता है जॉन सिन्हा बचाने नहीं देंगे, जॉन सिन्हा को नॉक ले लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या होता है इधर, जो कि हमारे ब्लैक की टीम गिल्ड के तरफ से बंदे हैं, बहुत ही खतरनाक 1v3 सिचुएशन में खेलने वाले हैं बंदा, लेकिन इनको शायद ऊपर से धोखा मिल सकता है। चलिए देखते हैं क्या, लेकिन नहीं इधर जीत चुकी है हमारी जीनियस की स्क्वाड, एक बिहारी 100 पे भारी। इसी तरह से साथ मैच खत्म, लौटते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो।